उमेश आपके पास, क्या हलचल, क्या खलबली वहां इस वक्त, क्या वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं? देखिए दिनेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जज हैं सुरेंद्र कुमार यादव, वे वहाँ पर पहुँच चुके हैं अदालत में, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज उनका रिटायरमेंट भी है। एक साल का उनको एक्सटेंशन दिया गया था क्योंकि अयोध्या प्रकरण की स्पेशल जो बेंच है उसमें उनको जज बनाया गया था, और इस पूरे मामले की सुनवाई वो पिछले 5 सालों से कर रहे थे। 3 सालों से रोजाना सुनवाई चल रही थी। लगभग 350 से ज़्यादा इस मामले में गवाहियाँ हुई हैं। 49 FIR दर्ज हुए थे और 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें 27 साल के बाद लगभग 32 लोगों पर अभियुक्तों पर फैसला सुनाया जाना है। 17 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत प्रतीक्षित कहा जा सकता है, क्योंकि 5 अक्टूबर 1993 को CBI ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो लंबे वक्त तक चलती रही, क्योंकि देश के दूर दराज के इलाकों से जो कार सेवा करने लोग आए थे उनकी गवाही इसमें हुई है, 350 से ज़्यादा गवाही हुई है, लिहाजा एक लंबा वक्त लगा है, तो बहुत प्रतीक्षित कहा जा सकता है। 28 साल, बहुत लंबा वक्त, बहुत लंबा इंतजार। उमेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ, हेमंत शर्मा जी के पास मैं जाना चाह रहा हूँ। हेमंत शर्मा जी, आपकी किताब युद्ध में अयोध्या, उसमें शुरुआत होती है जहाँ पर आप ये लिखते हैं कि इंप्रेशन ये मिल रहा था कि वाकई इसको सुनियोजित तरीके से अमल में लाया गया है, लेकिन जब तक आप अपनी किताब को तमाम सबूतों, साक्ष्यों, लोगों ने जो देखा, आपने जो देखा, उसके हवाले से कंक्लूड करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि ये परिस्थिति जन्य था। ऐसा नहीं था कि पहले से कुछ एक चीजें प्लान की गई थी, इसको जरा समझाएंगे आप। दिनेश, ये दुविधा मेरे लिए अदालत में भी थी। मैं, CBI ने मुझे अभियोजन का गवाह बनाया था इन 47 लोगों के खिलाफ, क्योंकि जनसत्ता में उस समय मेरी कई रिपोर्ट छपी थी जिसमें ये लगातार लिखा गया था कि ये ढांचा तोड़ना एक सुनियोजित घटना थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, तथ्य और सत्य दो फर्क होते हैं। तथ्य ये था कि ढांचा टूटा, उसके सामने विश्व हिंदू परिषद का मंच था जहां से ये नारे लग रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, और ये सारे नेता जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई और आज जिन पर फैसला होना है, ये वहां मौजूद थे। लेकिन बाद में जब मैंने बहुत तहकीकात की वर्षों तक, तो मैंने ये पाया कि इसके लिए कोई साजिश नहीं थी, कोई साजिश रची नहीं गई थी। बुलाया तो गया था इस उन्माद के साथ, लेकिन ऐन वक्त पर विश्व हिंदू परिषद ने अपनी भूमिका बदली और ये कहा कि कार सेवा केवल प्रतीकात्मक होगी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का ये फैसला कार सेवकों में जो 500 साल का जमा हुआ गुस्सा था उसे बदल नहीं पाया। विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के न चाहते हुए भी उस रोज कार सेवकों के उन्माद ने ढांचा तोड़ दिया। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,